हैं, इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव की बात करके आए हैं, इन्फ्लुएंशियल की करते हैं, बट इज स्क्यूनेस एंड कर्व प्रोसेस ये बात हो गई है, योर डाटा इज नेगेटिवली और पॉजिटिवली स्क्यूड और नॉर्मल, आपने कहना है कि नॉर्मल रेंज में आ रहा है अगर आपने कैलकुलेट किया है तो, विच स्टेटिस्टिकल टेक्निक यू यूज टू एनालाइज डाटा रिलेटेड टू फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, तो आप ऐसे अगर आपने बना के रखे हैं, जैसे ये टेबल बना के रखा है, ये आपको बहुत अच्छा गाइड करता है, पीएचडी वाले इसको हर हालत में जरूर बनाएं। इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट हाइपोथेसिस जो है मैंने वन वे अनोवा फॉलोड बाय पोस्ट हॉक टेस्ट जहां फॉलोड बाय टी टेस्ट से एनालिसिस किया है, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो टी टेस्ट से, तीसरा है, चौथा है टी टेस्ट से, पांचवा है 3/2 फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ अनोवा से। इसको समझाता हूं, पहले ये समझ लें कि इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स क्या होता है। देखिए हमने बात की थी कि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का एक पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का पार्ट सैंपल, तो सैंपल में हमने मीन स्कोर निकाल लिया या रिलेशनशिप निकाल लिए कि क्या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या क्वोशेंट मेल और फीमेल इसमें डिफरेंस है। जब ये पाया कि यार इनमें डिफरेंस नहीं है तो ये जो फाइंडिंग है फिर पॉपुलेशन पर अप्लाई की जाती है, तो इट मीन्स वी आर inferencing, making inferences about the population on the basis of sample and statistic. तो ये inferential statistic ये है कि आपने generalizations बनानी है कि उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, वो अभी ये बात की है, यहाँ पर है वन वे अनोवा है, टी टेस्ट है, टू वे अनोवा या टू वे अनोवा है। हाइपोथेटिकली थोड़ा समझ लें, आप ये ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चन लेके चले थे कि वर्क वैल्यू ऑफ मेल एंड फीमेल की में डिफरेंस है कि नहीं है, उसके लिए आपने हाइपोथेसिस क्या बनाया, नल हाइपोथेसिस कि मेल एंड फीमेल की वर्क वैल्यूज इक्वल है, मीन आपने कहा कि नो डिफरेंस है, ये लिख दिया मैंने नो, ये लिख दिया डिफरेंस है ना, सिग्निफिकेंट नो, there is no significant difference, ये significant भी add कर दिया, important है ये word, इस पर भी question आ सकता है। तो अब आपने क्या किया कि work value पर आपका score आ गया, उसका male का mean score आ गया, मान लीजिए male का mean score 100 आया और female का mean score आ गया 105। अब ये सीधा देखिए कि इसमें difference पाया जा रहा है, जब सीधा आप ये question पूछते हो कि दिखाई दे रहा है कि yes difference exist, लेकिन जब आप रिसर्च में करते हो, जब आपने सैंपल को निकाला है, सैंपलिंग एरर आपके पास है, तो आप सीधा नहीं कह सकते कि ये डिफरेंस जो है असली है या नकली है, ये डिफरेंस जो है बाय चांस है, ये डिफरेंस जो ड्यू टू एरर है। जब अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंस सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंस है इसका मतलब है द डिफरेंस एग्जिस्ट इन मीन स्कोर इज बाय चांस और बाय एरर। तो वो कैसे देखना है, वो नेचुरली देखना है कि हमने ये जो हो गया मीन स्कोर मेल और मीन स्कोर फीमेल, और नीचे जो एरर स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन निकालते हैं वो एरर नीचे रखनी है, स्टैंडर्ड एरर जो कैलकुलेट होती है वो स्टैटिस्टिशियन का काम है। तो मान लीजिए वो एरर आई है 1, तो ये डिफरेंस हमने देख लिया, इनमें से इनको माइनस कर दिया, डिफरेंस देखना है माइनस कर दिया ना, तो ये आ गया -5। अब ये बात याद रखनी है कि टी टेस्ट में डायरेक्शन नहीं होती, माइनस नहीं इसका यूज नहीं होता, हाँ जब आप टूल का आइटम एनालिसिस करते हो पीएचडी वालों के लिए जरूरी है तब इसका मीनिंग हो सकता है। तो यहां पर आ गया डिफरेंस इज 5, तो एरर कितनी है 1, तो आपकी ये जो वैल्यू आ गई क्या आ गई 5। ये जो कैलकुलेशन है इसको बोलते हैं टी टेस्ट, टी वैल्यू कब अप्लाई होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन देयर इज टू ग्रुप्स फॉर कंपैरिजन। तो अगर आपसे वो ये पूछे अगर दो ग्रुप से ज्यादा ग्रुप हैं कंपैरिजन के, मान लीजिए 3 ग्रुप हैं हाई एवरेज और लो, देन विच स्टेटिस्टिकल टेक्निक विल बी यूज्ड, आप कहोगे दो से ज्यादा ग्रुप है तो लगेगा वन वे अनोवा जो पीछे लिखा हुआ था एनालिसिस ऑफ वेरियंस, इसको पूरा पूछ सकते हैं एनालिसिस अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरियंस फॉलोड बाय पोस्ट हॉक टेस्ट, पोस्ट हॉक और टी टेस्ट, तब ये लगेगा।
अभी बात कर रहे हैं टी टेस्ट की। अब ये मान लीजिए आ गया आपका जो है 5। अब हमने देखना है कि टेबल वैल्यू कितनी है, 0.01 पर 2.58 ये टेबल वैल्यू है आपकी। ऑब्टेन्ड वैल्यू आप टेबल वैल्यू से कंपेयर करते हो, अगर आपकी वैल्यू ऑब्टेन्ड वैल्यू जो है टी वैल्यू जो है इक्वल जहां ज्यादा है ना, टी बड़ी है तीरथ बड़ा है ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, तो आपका जो डिफरेंस है वो रियल है सिग्निफिकेंट। जो डिफरेंस है वो रियल है सिग्निफिकेंट है। दूसरा इसका मतलब वो नॉट ड्यू टू एरर, नॉट ड्यू टू चांस है। इट मींस जब ये वैल्यू ज्यादा आती है तो ये हो गया सिग्निफिकेंट। जो नल हाइपोथेसिस हमने बनाया था, नल हाइपोथेसिस ये, तो जब ये वैल्यू ज्यादा है तो नल हाइपोथेसिस हो गया रिजेक्ट। ये देखिए मैंने क्रॉस कर दिया, इक्वल को क्रॉस कर दिया। दूसरा तरीका बता रहा हूं, जो लिखा था नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नो जो था वो रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेल एंड फीमेल की वर्क वैल्यू है उसमें डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि टी वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई डिफरेंस है तो वर्क वैल्यू ज्यादा किन में है? तो फर्दर द मीन स्कोर ऑफ फीमेल इज हायर, ये फीमेल का मीन स्कोर है वर्क वैल्यू का, ये हायर है। नाउ वी कैन कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ दिस दैट द वर्क वैल्यूज ऑफ फीमेल इज हायर देन वर्क वैल्यू ऑफ मेल सेकेंडरी स्कूल टीचर या एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स। तो ये क्या हो गई, ये एनालिसिस हो गया, ये लास्ट में हो गई फाइंडिंग कि फीमेल्स आर हायर देन मेल। भी वाई वे में पूछा जा सकता है कि इसको रीड करके बताओ इसका क्या मतलब है। ये है वेरिएबल, आपने कहना है ये उसके लेवल है, मेल एंड फीमेल 2 लेवल है। एन कितना है, मेल 83 फीमेल 124, मीन स्कोर कितना है 187 मेल का, 465 फीमेल का। अच्छा यहां दिखाई दे रहा है कि कितना फर्क है, तो जो स्टेटिस्टिकल स्टैंडर्ड डेविएशन बता देना है, मीन एरर बता देनी है। यहां पर एक और ऐड हो सकता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, वो एक वैल्यू आ जाती है, तो वो वैल्यू इनको माइनस करके नीचे वो रखी जाती है जैसे मैं पीछे करके आया हूं, तो वो कैलकुलेट होके टी वैल्यू आ जाती है आपके सामने। तो ये टी वैल्यू फिर देखिए 2.58 जो टेबल वैल्यू है, आपने टेबल देखना है तो वो उससे ज्यादा है, दैट इज वाई सिग्निफिकेंट एट। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये टी वैल्यू तो आ गई, हम टेबल वैल्यू कहां से ले रहे हैं? उसके लिए आपको टेबल देखना होगा। टेबल की एग्जांपल ये है टी वैल्यू, इस पर अलग से टाइम लग सकता है लेकिन अभी जल्दी जल्दी मैं आपको ये बताऊंगा क्योंकि वाइवे में ये पूछा जा सकता है आपको टेबल देके बुक देके कि टेबल को कैसे रीड करना है। तो आपने ये रहा आपका सबसे पहले के डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को एन जो है ना उसको लेके चलिए, वैसे एन से जो टोटल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल एन हमारा 2000 है, 200 है, उनमें से एक माइनस, कई बार कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है उसमें से माइनस दो होते हैं, यहां उसकी बात नहीं करेंगे। तो आप एन जितना है उस पर जाएंगे, आपका 200 के करीब यहां पर है 80 100, ये इट मींस के 200 पर है, हम 1000 वाला या 100 वाला लेंगे, ज्यादा वाला लेंगे। तो हमारे पास हमने देखनी है 0.01 पर ये वैल्यू, तो यहां पर ये मैच होता है, ये रहा ये और ये रहा ये, यहां पर ये कितनी है वैल्यू 2.58। ओके, तो ऑब्टेन्ड वैल्यू देखना है इसके इक्वल जहां इससे ज्यादा है तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, और नल हाइपोथेसिस नो डिफरेंस जो है नो खत्म हो जाएगा, इट मींस रियल डिफरेंस है। दूसरा हो सकता है कि 0.05 पर आपने देखना है, एजुकेशन और साइकोलॉजी या सोशल साइंसेस में 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो टेस्ट किए जाते हैं डिसाइड किए जाते हैं। तो 0.05 पर यहां पर वैल्यू क्या आ रही है 1.96 ये रही,
1.96 जहां इससे ज्यादा वैल्यू आती है तो 0.05 लेवल पर सिग्निफिकेंस है। अब आप ये पूछोगे कि ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये क्या है? ये है कि टू व्हाट एक्सटेंट ए रिसर्चर कैन टॉलरेट द एरर। अगर वो डिसाइड करता है कि मैं 5% तक एरर टॉलरेट कर लूंगा तो 0.05 लेवल डिसाइड की जाए, इस पर वैल्यूज देखी जाती है। अगर वो एक्यूरेसी ज्यादा चाहता है तो वो 1% मतलब एरर 1% टॉलरेट करेगा तो 0.01 लेवल को डिसाइड करेगा। इट मीन्स ये कॉरेस्पॉन्डिंगली यही कह रहे हैं 0.05 में 5% से ज्यादा एरर नहीं टॉलरेट करूंगा और ये 1% से ज्यादा नहीं टॉलरेट करेगा। इसका उल्टा क्या हो गया? इतने परसेंट एरर, इट मीन्स 95% एक्यूरेसी। यहां क्या हो गया? 1% एरर और 99% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी। क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वाईवी में कि टाइप वन एरर या टाइप टू एरर क्या होती है। तो जैसे आपका नल हाइपोथेसिस बना हुआ है, नल हाइपोथेसिस है मेल और फीमेल बराबर है ऑन वर्क वैल्यू, ऑन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, वट एवर योर वेरिएबल इज। आपकी मान लीजिए वैल्यू आई है 2.16। अब ये वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंट है 0.05 पर, लेकिन नॉट सिग्निफिकेंट है ये 0.01 पर। अगर आप जानबूझकर डिसाइड करते हो कि मैं हायर सिग्निफिकेंस लेवल को छोड़ के लोअर सिग्निफिकेंस लेवल ले लेता हूं, उसे क्या हुआ? वेन एवर यू रिड्यूस द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 से 0.05 पर आ गए, तो वहां पर आपका नल हाइपोथेसिस, यहां पर ये देखिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो रही है। इट मींस जब आप सिग्निफिकेंस लेवल रिड्यूस करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इंक्रीज। दिस प्रोसेस इज नोन एज टाइप वन एरर। मीन कि आप नल हाइपोथेसिस रियल में रिजेक्ट नहीं था, लेकिन आपने इसको रिड्यूस करके, सिग्निफिकेंस लेवल को रिड्यूस करके टी वैल्यू कम आ गई और ये ऑब्टेन्ड वैल्यू उतनी ही है, और आपने जो नल हाइपोथेसिस यहां नॉट रिजेक्ट था यहां रिजेक्ट कर लिया, ये आपने कर दी टाइप वन एरर। तो टाइप टू एरर क्या है वो याद नहीं रखनी आपने, वो सब कुछ इसके उल्ट है। उल्ट कैसे है? जब आप ये लोअर लेवल से सिग्निफिकेंस लेवल से हाई सिग्निफिकेंस लेवल की तरफ जाओगे तो यहां ये रिजेक्ट था और आपने नॉट रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, वो टाइप टू एरर बन गई। सब कुछ इसके उल्ट, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ टाइप वन एरर को ही याद रखना है। इसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल तो मान लीजिए ये है वर्क वैल्यू है या वोटिंग बिहेवियर है, और दूसरा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिवीजन दो नहीं, दो से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ स्किल्स की हाई एवरेज और लो है, दो से ज्यादा है। अगर तो दो होती तो हमने कंपेरिजन के लिए टी टेस्ट लगाना था। अब जब दो से ज्यादा है तो क्या लगाएंगे? वन वे अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉलोड बाय टी टेस्ट। अब अनोवा और टी टेस्ट में क्या डिफरेंस है? टी टेस्ट दो उनको कंपेयर करता है, लेकिन अगर हम इनके तीन, इनको सभी को कंपेयर करना हो तो कितने जोड़े बनते हैं? नंबर एक हाई और एवरेज को कंपेयर करेंगे, नंबर दो हम हाई और लो को कंपेयर करेंगे, नंबर तीन हम एवरेज और हाई को कंपेयर करेंगे। इट मींस तीन टी टेस्ट लगे, एक हाई और एवरेज पर, एक हाई और लो पर, और एक एवरेज और हाई पर टी लगे। वो कहता है कि तीन ये लगाने की बजाय ये पहले वन वे अनुभव आपको ये बता देगा कि इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर तो जैसे टी ने बताया था कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, अगर तो ये बताता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है
देन आप उसके बाद आप ये टी टेस्ट या पोस्ट ऑप टेस्ट में दो दो का कंपैरिजन कीजिए। तो दैट इज व्हाई वन वे अनोवा आपकी टाइम एनर्जी बचाता है। तो वन वे अनोवा ये हमारे पास रियल एग्जांपल है, समरी ऑफ अनोवा फॉर वर्क वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्किल। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्किल मीन के तीन लेवल लिए हैं कम से कम। वो कैसे पता चलता है कि तीन लेवल लिए हैं? वो यहां से पता चलता है बिटवीन ग्रुप वेरियंस से। ये रहा बिटवीन ग्रुप वेरियंस। ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जब दो है, ये तीन माइनस एक हुई है, ओके तो दो है, इट मींस ये तीन ग्रुप है। तो इसके अलावा विद इन ग्रुप जो टोटल सैंपल था उसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है माइनस करके ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। तो ये इसमें क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है, ये यूजीसी नेट पे पूछा जाता है। सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट होता है, मीन स्क्वायर ऑफ वेरियंस होता है। ये कैलकुलेशन करने के बाद नीचे नेचुरली एरर आने के बाद ये टोटल एफ वैल्यू आ जाती है हमारे पास 104। तो वहां पर हमारे पास टी वैल्यू थी, अनोवा में एफ वैल्यू है। अगर ये डिफरेंस पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टी एंड एफ, टी रेशियो है दो ग्रुप के कंपैरिजन की रेशियो, दो से ज्यादा ग्रुप के कंपैरिजन की रेशियो को एफ वैल्यू कहा जाता है। इवन तो अब ये ऑब्टेन्ड वैल्यू जो है ये हम देखनी है कि जो टेबल वैल्यू है उससे ज्यादा है या कम। तो यहां तो दिया गया है टू स्टार यहां लगाए गए हैं क्योंकि इन्होंने देख लिया है प्रोबेबिलिटी, इसको पी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, है ना, इससे ज्यादा है 0.01 पे, इट मीन 0.01 पर ये सिग्निफिकेंट है। देखने से पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी यहाँ पर, टी टेस्ट में एक थी, एक तो टू है ना, बहुत कम है। ये जितने ग्रुप हैं उनमें से माइनस एक है, तीन ग्रुप थे टोटल हाई एवरेज लो, उसमें से एक रिस्ट्रिक्शन माइनस कर दी तो आ गया टू, ये आ गया। तो ऐसे ही ये डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल नंबर ऑफ विद इन ग्रुप है, जो हमारा टोटल सैंपल ये उसमें से 196 आई है। तो 196 और 2 हमारे पास है, तो टेबल हम देखेंगे, ये रहा टेबल, यहां पर जाएंगे हम, ये होगी न्यूमिनेटर, ये होगी 2 है ना, और ये होगी 200, यहां पर है नहीं वैल्यू, चलो मान लेते हैं। यहां पर आएंगे हम, ये किसके लिए है, 0.01 के लिए F। तो मान लीजिए यहां पर 200 की आ गई है वैल्यू, तो ये वैल्यू हम उठाएंगे, टी वैल्यू से अनोवा की वैल्यू ज्यादा होती है, दैट इज वाई आपने 2.581.96 याद रखनी है। तो ये टी के लिए याद रखनी है, F के लिए आपको टेबल देखना ही पड़ेगा। तो ऐसे आप टेबल देखते हो, मान लीजिए इतनी वैल्यू आई है, तो इससे वैल्यू वो ज्यादा है हमारी ऑब्टेन्ड वैल्यू, है ना, दैट इज वाई द डिफरेंस इज रियल। अब डिफरेंस रियल है तो तीन पेयर जो हमने यहां बनाए थे, एक हाई एवरेज का, हाई लो का और दूसरा एवरेज लो का, इन तीनों में डिफरेंस हमको देखना होगा। तो ग्राफ में भी साफ दिखाई देता है, मीन स्कोर जो है 110 इनका है हाई, और एवरेज का कम है और लो का कम है। इट मींस यहां दिखाई दे रहा है ग्राफ में कि जो लाइफ स्किल जिसकी हायर है, हाई लाइफ स्किल की वर्क वैल्यू भी हायर है, लो लाइफ स्किल है उसकी वर्क वैल्यू भी लो दिखाई दे रही है। तो लेकिन पेयर वाइज जो पोस्ट हॉक टेस्ट है उसका कंपैरिजन अब देखना पड़ेगा कि वो क्या कहता है। ये पोस्ट हॉक टेस्ट की जो टेबल है इसको आप टी टेबल भी बोल सकते हो। देखिए ये पहले हाई और लो का कंपैरिजन किया गया है, उसका मीन स्कोर 110 और 83 है, तो इस ये सिग्निफिकेंट है 0.01 पर, इट मींस हाई और लो में डिफरेंस है। फिर हाई और एवरेज में डिफरेंस ये देखेंगे सिग्निफिकेंट 0.01 पर है, यस ये भी डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, इट मींस नल हाइपोथेसिस इसका भी रिजेक्ट, के डिफरेंस नहीं है वो रिजेक्ट हो गया, असल में डिफरेंस है, नल हाइपोथेसिस दैट नो डिफरेंस यहां पर भी रिजेक्ट। एवरेज और लो का देखा तो वो 94-83 है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तीनों बच गए सॉरी
तो ये भी नो डिफरेंस था, जैसे हमने नल हाइपोथेसिस को इक्वल भी लिखा था, यहां नल लिखा मैंने, यहां नो लिखा, मतलब तीनों सिंबल्स को आप काट रहे हो जब ये सिग्निफिकेंट है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो मीन स्कोर किसका ज्यादा है आप ये कह सकते हो। इट मे बी कंक्लूडेड दैट टीचर्स विद हाई लेवल ऑफ लाइफ स्किल्स हैड बेटर लेवल ऑफ वर्क वैल्यू देन टीचर्स विद लो लेवल ऑफ लाइफ स्किल। ऐसे ही है आपका ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है, टीचर्स विद हाई लेवल ऑफ लाइफ स्किल्स हैड बेटर लेवल ऑफ वर्क वैल्यू देन टीचर्स विद एवरेज, ये दूसरा ग्रुप है। तीसरा है टीचर्स हैड टीचर्स विद एवरेज लेवल ऑफ लाइफ स्किल्स हैड बेटर वर्क वैल्यूज देन टीचर्स विद लो लेवल ऑफ लाइफ स्किल्स। तो ये डिफरेंस यहां पर क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स वर्क वैल्यूज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइफ स्किल्स, ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आई है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होती है उसकी ही एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बनती है। आपको लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो नेचुरली है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आप क्या बनाओगे अगर आपको ये पता चल गया है कि जो लाइफ स्किल्स हैं अगर वो टीचर्स की कम है तो वर्क वैल्यू भी डाउन है। इट मीन्स आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है कि आप सेमिनार तो नहीं, वैसे अच्छे चलो कह देते हैं, इम्प्लीकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, इम्प्लीकेशन फॉर प्रिंसिपल्स है ना, पॉलिसी मेकर्स, इम्प्लीकेशन पर्टिकुलर स्टेक होल्डर के लिए होते हैं। वो नेचुरली है कोई वर्कशॉप्स टॉप्स ऑर्गेनाइज करें कि जो टीचर्स की लाइफ स्किल लो है उनको स्किल को डेवलप ज्यादा किया जाए। अगर ये स्किल डेवलप की जाएगी तो नेचुरली है उनकी वर्क वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे रिसर्च के जरिए हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हम टीचर्स की वर्क वैल्यू को देखना चाहते हैं कि चेंज होती है, हमें पता चल गया कि लाइफ स्किल से चेंज होती है, तो हम लाइफ स्किल्स को भी अगर चेंज करें, लाइफ स्किल्स को फोकस बनाएं, लाइफ स्किल्स को रेगुलर फॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट बनाए, लाइफ स्किल्स पर वर्कशॉप सेमिनार या डिस्कशन, लाइफ स्किल्स की असेसमेंट टीचर्स की जाए, तो वो ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होगी। तो जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होगी आपकी उसी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होगी, ये बात याद रखनी है। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कैसे बननी है कि जो लोअर पोर्शन है, जो सिग्निफिकेंट में आया सबसे लोअर पोर्शन है, उसको कोई एजुकेशन देनी है, उसको कोई ट्रेनिंग देनी है, उसको कोई टीच करना है। नेचुरली जिनकी टीचर को आप आइडेंटिफाई करोगे कि इन टीचर्स की लाइफ स्किल लोअर है, उनके लिए स्पेशल वर्कशॉप लगाई जाएगी। तीसरा, अगला, कि जिनकी लाइफ स्किल ऑलरेडी ज्यादा है, वैसे जनरली इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, उनको लगाया जाए, जिनकी लाइफ स्किल्स वीक है उनके साथ कोलैबोरेट किया जाए, उनके साथ ग्रुप्स बनाए जाए। ऐसी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन रिसर्चर ने सोच के बतानी करना था। तो तब हमने ये देखा कि हमने दो ग्रुप को कंपेयर करने के लिए स्टेटिस्टिकल टेक्निक कौन सी लगानी है, टी टेस्ट। जब दो से ज्यादा था तो वन वे अनोवा। अब अगर वहां तो था जेंडर एक वेरिएबल है ना, लाइफ स्किल दूसरा अलग एक वेरिएबल, जब वहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक एक था, जब रिसर्चर ये देखना चाहता है, ये तीसरा रिसर्च क्वेश्चन है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों मिलके गुना होके मल्टीप्लाई होके इंट्रैक्शन से कैसे इसको इन्फ्लुएंस करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, पहले यहां हमने वर्क वैल्यू रखी थी, यहां अब चेंज कर दिया है, यहां हमने जेंडर और सब्जेक्ट को लिया है। अब जेंडर का जब इफेक्ट देखना था, हमने उसके दो लेवल देखे, एक और दो, मेल और फीमेल, इसके दो लेवल हो गए ना, ये दो लेवल हो गए। और सब्जेक्ट के कितने हैं, लैंग्वेज और साइंस है। अगर हम यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मान लीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस और के हाई एवरेज लो देखते तो तीन लेवल हो जाने थे, तो यहाँ दो लेवल हैं, सब्जेक्ट के भी दो लेवल हैं। तो अब इस पर कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी, जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके दो लेवल हैं ये हो गया, और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके दो लेवल हैं वो अप्लाई होगी 2/2 फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब ये 2 पहला क्या कह रहा है कि पहला जो भी मेरा वेरिएबल है उसके 2 लेवल हैं और दूसरे के भी 2 लेवल हैं,
तो ये क्योंकि एक और ये दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, दैट इज वाई इसको कहेंगे टू वे अनोवा। अगर ये तीन हो जाए जेंडर सब्जेक्ट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस के तीन लेवल ये, तो ये हो जाएगा थ्री वे अनोवा, थ्री वे अनोवा। अगर ये चार हो जाए वेरिएबल, चारों का इफेक्ट देखना है ना, वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो ऐसे वन वे अनोवा से टू वे अनोवा डिफरेंट है। टू वे अनोवा ने हमेशा ही इंट्रैक्शन इफेक्ट देखना है। अच्छा इसको कैसे देखेंगे, मान लीजिए ये ग्रुप है, ये हो गया जेंडर और ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है लैंग्वेज और साइंस, और जेंडर क्या है मेल एंड फीमेल। और मान लीजिए लैंग्वेज में फीमेल का टीचर इफेक्टिवनेस का स्कोर 100 है और लैंग्वेज में मेल का 90 है, और लैंग्वेज में फीमेल का 95 है, और साइंस में मेल का जो है 105 है। इंटरेक्शन इफेक्ट ने क्या बताना है कि अगर ये पूछा जाए कि जो टीचर लैंग्वेज टीच करते हैं और मेल हैं, उनकी टीचर इफेक्टिवनेस लैंग्वेज टीच करने वाले फीमेल से ज्यादा है या कम, नेचुरली ये इसका इसके साथ कंपैरिजन होगी। अब ऐसे ही आप लैंग्वेज मेल वालों का साइंस मेल के साथ कंपैरिजन इसका इसके साथ कर सकते हो, ऐसे ही लैंग्वेज फीमेल वालों का साइंस फीमेल से इसके साथ कंपैरिजन हो सकता है। अच्छा लैंग्वेज फीमेल वालों का साइंस मेल वालों से इसका इसके साथ कंपैरिजन हो सकता है ना, ऐसे ही लैंग्वेज मेल वालों का साइंस फीमेल वालों से इसका इसके साथ कंपैरिजन। पहले ये है कि ये डिफरेंस जो है रियल है, सिग्निफिकेंट है। अगर ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तब उनको माना जाता है कि यस ये जो है लैंग्वेज मेल वाले और लैंग्वेज साइंस वालों से नीचे हैं टीचर इफेक्टिवनेस का। रियल एग्जांपल हम देख लेंगे, इसी का ही एक ग्राफ बन जाता है, मैं दिखाता हूं आपको इसको कट करके। ये रहा आपका, ये जो है कैलकुलेशन की है, देखिए पहले जेंडर का इफेक्ट है जो टी टेस्ट में लगाया गया था, ठीक। ये रहा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट सिग्निफिकेंस है अकेले फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ध्यान से समझिए, ध्यान से इस टेबल में सब कुछ इकट्ठा हो गया जो पीछे करके आए हैं। पहले तो ये हुआ कि पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट है वो किस पर, टीचर इफेक्टिवनेस पर, ये वैल्यू ज्यादा आ गई, ये सिग्निफिकेंट है, इट मींस नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, सब्जेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है टीचर इफेक्टिवनेस को। जेंडर यहां पर नॉट सिग्निफिकेंट है, नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड, है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये इफेक्ट नहीं कर रहा। अब ये है कि सब्जेक्ट एंड जेंडर इकट्ठे उनकी जो एफ रेशो आई है वो भी स्टार लगा हुआ है 0.05 पर, ये सिग्निफिकेंट है, इट मींस इंटरेक्शन दोनों मिलके इफेक्ट कर रहे हैं। देखिए जेंडर अकेला इफेक्ट नहीं कर रहा, जब सब्जेक्ट के साथ मिल रहा है तो इफेक्ट कर रहा है, दिस इज इंटरेक्शन इफेक्ट। इसके ग्राफ से आपको समझ आएगा जो मैं ऊपर बना के आया था, उस ग्राफ को देखेंगे और ये वन वे अनोवा समझ आ जाएगा आपको। ये रहा है ना, ये रहे आपके, जब सिग्निफिकेंट स्टडी इंटरेक्शन इफेक्ट होता है तो ये ग्राफ हर हालत में जरूरी है। ये रेड लाइन जो है साइंस वालों की है और ये ब्लू है ये है लैंग्वेज वालों की, तो मीन स्कोर लैंग्वेज वालों का फीमेल लैंग्वेज वालों का हाईएस्ट है, इट मींस फीमेल हु इज टीचिंग लैंग्वेज हैज बेटर टीचिंग टीचर इफेक्टिवनेस देन फीमेल हु आर टीचिंग साइंस। ये रियल स्टडी है। आप अगर मेल का साइंस और उसमें कंपैरिजन करते हो तो वो नॉट सिग्निफिकेंट है, वैसे पोस्ट ऑफ टेस्ट लगाने के बाद ये पता चलता है। यहां पर पीएचडी में पोस्ट ऑफ टेस्ट इसका भी लगता है, ठीक है। पोस्ट ऑफ टेस्ट का मतलब है इसमें और इसमें डिफरेंस, इसमें और इसमें डिफरेंस, आप दो तीन पेयर जो बनते हैं उनका डिफरेंस देखते हो, ये नॉट सिग्निफिकेंट है। इट मीन्स ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि फीमेल साइंस स्टूडेंट, फीमेल एंड साइंस जो टीच कर रहे हैं
वो लोअर है टीचर इफेक्टिवनेस में, है ना। तो इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या बनेगी कि जो फीमेल साइंस टीच कर रही हैं उनकी टीचिंग स्किल को टीच करने के लिए टीचर एजुकेटर को बुलाया जाए और उनको उनकी स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव करने की वर्कशॉप ट्रेनिंग माइक्रो टीचिंग वो ऑर्गेनाइज की जाए। वो कौन ऑर्गेनाइज करेगा? एचओडी करेगा, पॉलिसी मेकर एडमिनिस्ट्रेटर करेगी, मैनेजमेंट करेगी। तो ये इम्प्लीकेशन फॉर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर हैं कि वो टीचर एजुकेटर को बुला के जो फीमेल साइंस टीचर हैं उनकी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव कराएं क्योंकि वो डाउन वाली। तो ये लास्ट में आ गई फाइंडिंग्स आपकी। फाइंडिंग्स आपसे पूछी जाती हैं कि कौन सी फाइंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जो सिग्निफिकेंट आई है वो फाइंडिंग आपने इंपॉर्टेंट कहनी है। जैसे ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इक्वल है ना, ये सिग्निफिकेंट है सेकेंड वाली, थर्ड वाली, जिसमें शब्द आ रहा है कि साइंस टीचिंग साइंस टीचर सब्जेक्ट बेटर लेवल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट डायमेंशन, है ना। ये वाली जो भी आपकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आई है उसको आप वाइवे में जरूर बताइए कि ये मेरी बेटर आई है। जैसे मेल टीचर है बेटर लेवल ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस दैस फीमेल टीचर्स, है ना। टीचर इफेक्टिवनेस ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट इज डिपेंडेंट अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन सब्जेक्ट एंड जेंडर। इसको वैसे बेटर एक्सप्लेन पीछे करके आया हूँ कि साइंस फीमेल टीचर डाउन है लैंग्वेज फीमेल टीचर से। तो फर्दर सुजेशन भी आप दे सकते हो कि कैसे नए वेरिएबल को इसमें शामिल किया जा सकता है, ये आपने पढ़ के जाने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशन मैंने साथ साथ में डिस्कस कर लिया है आपसे, है ना। तो मेरे ख्याल में ये लगभग कंप्लीट हो गया है, हम सभी कर चुके हैं। विच स्टेटिस्टिकल टेक्निक, आपने कौन सी टेक्निक यूज की है, अगर दो ग्रुप वाले हैं, है ना, जैसे जेंडर की बात करो टी टेस्ट, अगर तीन ग्रुप हैं उनका कंपैरिजन किया है तो वन वे अनोवा फॉलोड बाय पोस्ट ऑफ टेस्ट या फॉलोड बाय टी टेस्ट। अच्छा, व्हाई यूज दिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू एनालाइज डाटा रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, मतलब आपने अगर टी टेस्ट लगाया तो क्यों लगाया, वो यही आप दोगे क्योंकि सर दो ग्रुप थे कंपैरिजन करने के लिए। वन वे अनोवा क्यों लगाया फॉलोड बाय टी टेस्ट या पोस्ट ऑफ टेस्ट, सर दो से ज्यादा ग्रुप थे इसलिए वन वे अनोवा ही वहां लगता है। अच्छा, वन वे अनोवा, व्हेन वन वे अनोवा इज अप्लाइड, सेम क्वेश्चन है, व्हेन मोर देन टू ग्रुप्स आर फॉर कंपैरिजन, है ना। ये साथ में हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन टी टेस्ट एंड वन वे अनोवा, वही बात है, दो ग्रुप और दो से ज्यादा ग्रुप का एप्लीकेशन है। डिफरेंस बिटवीन वन वे अनोवा एंड टू वे अनोवा, वन वे अनोवा में ये क्लियर कर दूं, वन वे अनोवा में ये रहा वन वे अनोवा, वन मीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टू वे अनोवा में इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू है, ठीक है। थ्री वे अनोवा में इंडिपेंडेंट वेरिएबल थ्री है, जैसे पीछे एग्जांपल करके आए हैं, सब्जेक्ट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इनटू जेंडर दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल एक टीचर इफेक्टिवनेस। व्हेन द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन इज अप्लाइड, अच्छा ये कोरिलेशन की कोई एग्जांपल नहीं दी क्योंकि ये कोरिलेशनल रिसर्च की नहीं थी, नेचुरली है कि उसकी जो बेसिक अजम्पशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो डाटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टी टेस्ट की पूछी जाती है अजम्पशंस अनोवा की, और इसकी उसकी फर्स्ट अजम्पशन है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, हम शुरू में करके आए थे। दूसरा मिनिमम इंटरवल स्केल पर डाटा हो, वो भी करके आए हैं। तीसरी नहीं हमने की कि होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस हो, ये तीसरी अजम्पशन है। तो ये चार कंडीशन अगर मेट होती है, अजम्पशन मेट होती हैं, तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हो। ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, टी टेस्ट भी, वन वे अनोवा भी और टू वे अनोवा भी, जिनकी बात करके आए हैं, कोरिलेशन भी इसमें शामिल, चलो कोरिलेशन की यहाँ बात नहीं करेंगे। तो चार आपसे अजम्पशन पूछी जा सकती हैं, तो वो बात करें स्केल इंटरवल पर हो, सैंपलिंग रैंडम हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और सैंपल साइज एडिक्वेट हो, और इक्वेलिटी ऑफ वेरियंस या होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस, ये फाइव अजम्पशंस हैं टी टेस्ट और अनोवा की। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, हाउ डू यू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। आपने ये कहना है कि टेस्टिंग पहले लिटरेचर के बेस पर हमने नल हाइपोथेसिस बनाए, जहां डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाए, फिर डाटा कलेक्ट किया रेलेवेंट टूल से,
और उनके अनुसार स्टेटिस्टिकल टेक्निक लगाई। अगर टू ग्रुप थे तो टी टेस्ट, दो से ज्यादा ग्रुप थे वन वे एनोवा, अगर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे तो 2/2 factorial डिजाइन या 2/3 जितना भी बाई वेरिएबल ऑफ टू वे एनोवा लग गया है ना, तो उसको करके अगर वो हमारी ऑब्टेन्ड वैल्यू हायर आती है आई तो टी टेबल वैल्यू से, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने से ये पता चला कि जो डिफरेंस है मेल और फीमेल में या हाई एवरेज लो में वो रियल है, वो सिग्निफिकेंट है। तो ऐसे हमने वो वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा आई हमारी वैल्यू, तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो ये प्रोसीजर आपने बताना है, आपने नल हाइपोथेसिस कैसे किया, हम सब कुछ कराए हैं ठीक। डिफरेंस बिटवीन 0.05 एंड 0.01 लेवल ऑफ डिफरेंस ये कराए हैं, 5% एरर टॉलरेंस, 1% एरर टॉलरेंस, 5% प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम रिजल्ट बाय चांस। अगर 100 बार इस स्टडी को रिपीट किया जाए तो 5 बार हो सकता है कि कोई और रिजल्ट आए, ये इसका मतलब भी बनता है। अगर 100 बार रिपीट किया जाए इस स्टडी को तो 1% चांस है कि रिजल्ट कोई और आए, इट मीन 99% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी। हाउ इज द टेबल वैल्यू ऑब्जर्व, वो टेबल आपको दिखाए हैं टी टेबल और अनोवा टेबल। व्हेन द सैंपल साइज इंक्रीज द सैंपलिंग एरर डिक्रीज। सैंपलिंग एरर क्या है, वो पॉपुलेशन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन मीन स्कोर है ना जो, और सैंपल का मीन स्कोर है, उसमें डिफरेंस जो होता है वो है सैंपलिंग एरर। इंटरप्रेट योर टेबल ऑफ एनालिसिस, आपको कह सकते हैं कि ये टेबल निकालो और इसकी इंटरप्रिटेशन करो, वो आपने की हुई है पीछे हम करके आए हैं है ना। व्हाट इज द टेबल वैल्यू एट इस लेवल पर, इस लेवल पर जो को आपको बता के आया हूं कि आपने टेबल कैसे देखना है ना, वो भी हो गया है। फाइंडिंग्स और रिजल्ट ऑफ योर स्टडी आप देख के भी बोल सकते हो, लेकिन आपने जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग वही बोलनी है जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुए हैं, जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुए हैं उसको पहले से टिक करके लेके जाइए। ये पूछी जाती है पीएचडी में एमएड में दोनों में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ है ना ये एंड व्हाई, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट आई है, क्योंकि उसने बताया कि साइंस फीमेल टीचर की टीचर इफेक्टिवनेस लैंग्वेज फीमेल टीचर से बहुत कम है, तो उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। डज इट मैच विद फाइंडिंग विद प्रीवियस रिव्यू लिटरेचर, अगर ऐसी कोई स्टडी पहले हुई है तो उससे क्या मैच करती है, पीएचडी लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एमएड मास्टर लेवल में बहुत कम। डिपेंड करेगा, डिस्कशन का एक चैप्टर होता है, आपने देखना है कि इतने ऑथर जो पिछले स्कॉलर रिसर्चर इन्वेस्टिगेटर हैं वो मेरी तरह सेम फाइंडिंग कह रहे हैं, नेचुरली कॉन्सिस्टेंसी बढ़ रही है या इनकॉन्सिस्टेंसी बढ़ रही है, तो अगर कॉन्सिस्टेंसी बढ़ रही है तो जनरलाइजेशन की जा सकती है। एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ स्टडी साथ साथ में डिस्कस करके आया हूं, जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है उसकी इंप्लीकेशन बनाइए। सजेशन फॉर फर्दर स्टडी के सैंपल साइज ये चाहिए कि नहीं, नया वेरिएबल इसके साथ ये वाला स्टडी किया जाना चाहिए है, तो वो अपने रिव्यू जो लिटरेचर किया है उसके बेस पर कह सकते हो। डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक नहीं बताया, ये लास्ट में बताते हैं। देखिए आपने ये जो है आपका लिटरेचर है ना, ये हो गया आपका लिटरेचर। लिटरेचर में आपने 4/2002 को कोट किया है, इसका ये टेक्स्ट भी है। अगर आपने सेम जो इसको टेक्स्ट में ये नाम और ईयर दिया है, यही लास्ट में इसका विवरण दिया है आपने यहां पर, ठीक है, क्या है रेफरेंस में नाम ईयर टाइटल ऑफ द आर्टिकल जर्नल का नाम और वॉल्यूम नंबर एंड पेज, ठीक है ना। तो अगर तो जितने ऑथर्स टेक्स्ट में कोटेड हैं उतने ही यहां पर लास्ट में आपने उनकी लिस्ट दी हुई है, तो इसको कहेंगे रेफरेंस। तो ये हो गया रेफरेंस। रेफरेंस में एग्जैक्ट मैचिंग है MATCH मैचिंग ऑफ टेक्स्ट रिसर्चर एंड लास्ट में लिस्ट ऑफ रिसर्चर की, ठीक। मान लीजिए अगर आपने 10 बुक्स और पढ़ी हैं कंसल्ट की है, जैसे मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ सैंपलिंग, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, ऐसे बुक्स पढ़ी है ना, कोई जर्नल भी पढ़ी है, लेकिन उनमें से वो टेक्स्ट में आपने कोट नहीं कोई भी किया और वो 10 के
लिस्ट में आप शामिल कर लेते हो, वो 10 जाने इस लिस्ट में आप प्लस कर देते हो, है ना। ये तो एग्जैक्ट जो कोट किए हैं है ना, वो रेफरेंस थे, उन्हीं रेफरेंस में 10 जाने कंसल्ट किए थे वो भी ऐड कर दिए, तो वो जो लिस्ट अब बनेगी आपकी, ये लंबी लिस्ट बन गई, ये ब्रॉडर बन गई ना, इसको कहेंगे बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी इट मींस बिब्लियोग्राफी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, उसमें वो सोर्स भी दिए रहते हैं जो हमने कंसल्ट किए हैं लेकिन कोट नहीं किए, लेकिन रेफरेंस फिक्स्ड प्रिसाइज होते हैं, उसमें सिर्फ वही होते हैं जो टेक्स्ट में कोट किए हैं, वही उन ऑथर्स की और उन रिसर्चर्स की लिस्ट होती है। ये है फर्क बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ योर रिसर्च, है ना, डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशन एंड डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन है टू व्हाट एक्सटेंड योर फाइंडिंग कैन बी जर्नलाइज्ड, ये तो ये है। दूसरा कि आपकी रिसर्च है उसका एरिया कितना रहेगा, आप किसी वेरिएबल को, बोर्ड को, है ना, यूनिवर्सिटी को डीलिमिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने अभी एलिमेंट्री स्कूल टीचर लिए हैं, तो आपके पंजाब में सीबीएसई के भी स्कूल है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के भी स्कूल है, और आईसीएसई के भी स्कूल है। तो आपने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के ले रहा हूं, इनको नहीं ले रहा हूं। इट मीन्स आपने डीलिमिट कर दिया सिर्फ उन टीचर्स तक जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में है। अच्छा, टीचर एलिमेंट्री भी है, सीनियर सेकेंडरी भी है, अगर तो टाइटल में ये लिखा है फिर डीलिमिटेशन में नहीं आएगा। अदरवाइज ऐसे आप मान लीजिए आप आपकी पॉपुलेशन में मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, है ना, तो आप सिर्फ फीमेल पर स्टडी करना चाहते हैं तो आपने जेंडर को भी डीलिमिट कर दिया। मान लीजिए आपके जो पॉपुलेशन है उसमें प्राइवेट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं और एडेड भी हैं, है ना, तो आपने कहा मैं ना प्राइवेट को लूंगी ना एडेड को लूंगी, मैं सिर्फ गवर्नमेंट पर स्टडी करूंगी, तो आपने टाइप ऑफ स्कूल को भी डीलिमिट कर दिया। तो डीलिमिटेशन है नेचुरली, जब फाइंडिंग आएगी, जो फाइंडिंग ये आई है वो फाइंडिंग आप जनरलाइज किस पर करेंगी, गवर्नमेंट पर ही करेंगी। आप फाइंडिंग सैंपल आपने गवर्नमेंट से निकाला तो आप प्राइवेट पर नहीं अप्लाई करोगे, आप एडेड पर नहीं अप्लाई करोगे। इट मींस डीलिमिटेशन मीन एक्सटेंड टू विच द रिसर्चर कैन जनरलाइज द फाइंडिंग फ्रॉम द सैंपल टू पॉपुलेशन। ओके, डिफरेंस पूछा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशन एंड डीलिमिटेशन। ये बहुत जरूरी है, लिमिटेशन मीन वीकनेसेस, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सके जो करना चाहिए था, है ना। मान लीजिए आप डाटा कलेक्ट कर रहे थे तो डाटा कलेक्ट करते समय आपसे कुछ ये गलती हो गई कि आपने एक स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट नहीं बनाई मीनिंग्स की, ये बनानी चाहिए। आपको लगा कि इससे मीनिंग हर को दो चार जो बताए गए जब उन्होंने पूछे वो वेरी थे, आपको ये लगा कि जो सैंपल साइज एक सेल का था बहुत छोटा रह गया, है ना, तो आपको ये लगा कि मेल ज्यादा है फीमेल बहुत कम है, वो लिमिटेशन वीकनेसेस हैं। आपको ये लगा कि जब डाटा कलेक्ट किया तो कुछ लोगों ने बिना पढ़े ही कर दिया, वो टिक लगा दिए और आप आइडेंटिफाई पूरी तरह से नहीं कर सके, तो ऐसी कोई भी वीकनेस हो सकती है लिमिटेशन। लिमिटेशन आपकी क्वालिटी ऑफ रिसर्च को, साइंटिफिक मेथड को इन्फ्लुएंस करती है नेगेटिवली। वो आप क्यों बताओगे, आपने बतानी है क्योंकि नेक्स्ट रिसर्च जो होगी वो रिसर्चर ध्यान रखेगा यार इससे ये वीकनेस रहेगी, गलतियां होगी, वो मैंने नहीं करनी, ठीक है। उससे ही, लिमिटेशन से ही भी सुजेशन बन सकते हैं, सुजेशंस फॉर फर्दर स्टडी लिमिटेशन से ही बन सकते हैं, जबकि डीलिमिटेशन का मतलब जनरलाइजेशन से है, अपनी उसकी बाउंड्री को डिसाइड करने से है। ये थे क्वेश्चंस। अगर आप वाइवा देते हो, इस वीडियो को देखते हो यूजीसी के लिए, पीएचडी के लिए, तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए कि जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए क्वेश्चन सर उसके अलावा मेरे वाइवे में ये क्वेश्चन पूछा गया, है ना। वीडियो बहुत लंबा हो गया, वेरी सॉरी। और आप आल्सो क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन बताइए जिनका उत्तर आप नहीं दे सके, है ना।
तो वो भी क्वेश्चन बताइए जो लगा कि मैंने सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किए। सो प्लीज कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट इसका जरूर आएगा, उसमें और डिफिकल्ट क्वेश्चन और जो आपके द्वारा ये क्वेश्चन बताए जाएंगे कि ये क्वेश्चन नए पूछे गए वाइवा में जब मैं उनका उत्तर नहीं दे सका, उनकी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल दूंगा। और वीडियो आएंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का वाइवा कैसे देना है, हिस्टोरिकल रिसर्च का वाइवा कैसे देना है, क्वालिटेटिव रिसर्च का वाइवा कैसे देना है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है उनका वाइवा कैसे देना है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर होगा। गलतियों के लिए माफी, लंबी वीडियो के लिए माफी। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज। थैंक यू।